दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। 1380 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे 2023 में खुलने वाला था, बट कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अब इसकी एक्सपेक्टेड डेडलाइन मार्च 2024 हो गई है। वहीं अपडेट्स की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली वडोदरा सेक्शन इस साल के दिसंबर में पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं इसका सेकेंड पार्ट जो कि दिल्ली से दसुआ राजस्थान के बीच है, उसे इसी महीने मई में खोला जा सकता है। दोस्तों दिल्ली से दसुआ सेक्शन के खुलने से दिल्ली से जयपुर की कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, जिससे इन दोनों शहरों के बीच का ट्रैवल टाइम एक घंटे से कम हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं एक सीनियर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली वडोदरा सेक्शन इस साल के दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, जो कि दिल्ली में DND, हरियाणा में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोना, नू और पलवल, राजस्थान में अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा, मध्य प्रदेश में मंदसौर, रतलम और झाबुआ, गुजरात में दहोद, लिम्बखेड़ा, पंचमहल, वडोदरा, भरूच, सूरत और वलसाड तो कवर करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली वडोदरा सेक्शन 903 किलोमीटर का होगा। हाल ही में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर हिस्से इस साल के दिसंबर और मार्च 2023 में बनकर तैयार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे का 90% काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। अब अगर हम इस पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो इस प्रोजेक्ट ने ज़्यादातर रुकावटें महाराष्ट्र के विरार से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्ट्रेच के बीच में फेस की हैं। वहीं गुजरात में भी दहोर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, बट अब सब रिजॉल्व हो गई हैं और काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो आशा करते हैं कि एक्सप्रेसवे जल्दी बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नई नई अपडेट्स और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से इमर्जिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।